नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने पर बुधवार की सुबह लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग बालाघाट के मुख्य लिपिक अब्दुल कादर फकरुद्दीन रजा के घर पर छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई वार्ड नंबर 3 गौस नगर स्थित अब्दुल कादर के निवास पर की गई। अब तक की गई इस कार्रवाई में लोकायुक्त टीम के हाथ जांच में 17 बीघा पॉलिसी, 3 मकान, 5 रजिस्ट्री और सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए गए हैं। वहीं टीम की जांच कार्रवाई अभी भी जारी है। जबलपुर से बालाघाट आई लोकायुक्त की टीम में डीएसपी जेपी वर्मा, इंस्पेक्टर स्वप्निल दास, कमल सिंह उइके, रंजीत सिंह, नरेश बेहरा, महिला प्रधान आरक्षक लक्ष्मी रजक, आरक्षक सुरेंद्र भदौरिया, अंकित दहिया, अमित मंडल सहित अन्य शामिल हैं। लोकायुक्त द्वारा आय से अधिक संपत्ति कहां से कैसे जुटाई गई इसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। अभी और भी खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के बीच भी हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जी सर, बताएं, आज लोकायुक्त की टीम यहाँ पर पहुंची है और छापेमार जो कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई? गोपनीय सत्यापन के आधार पर कार्यालय जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पदस्थ कादर फकरुद्दीन के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की सूचना प्राप्त हुई, जिसका सत्यापन किया गया। आज दिनांक को उनके खिलाफ अपराध धारा 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत घर की तलाशी ली गई, जिनके मकान के घर में अब तक लगभग 1,08,00,000 रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें रजिस्ट्रियाँ हैं, बीमा पॉलिसी हैं, मकान है, 3 मकान हैं, तो अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। और अभी कुछ बाकी जाँच या कंप्लीट हो गई सर? नहीं, जांच अभी चल रही है। बैंक से संबंधित जानकारी और अन्य संपत्ति की जानकारी एकत्रित की जा रही है। सोना कितना मिला चांदी? सोना चांदी लगभग 1,00,000 रुपये का प्राप्त हुआ। 1,00,000? हाँ कादर भाई, आज लोकायुक्त का छापा पड़ा तो उनकी छानबीन में 1,08,00,000 रुपए की संपत्ति पाई गई, जिसमें जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि 1,08,00,000 के अभी का वर्तमान मूल्य निकाल रहे हैं और मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जो भी चीज़ है, ये 1996 से लेके अभी तक के, और आज 40 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ। 40 साल की सर्विस में मेरा खुद वेतन का जो है पैसा 80,00,000 रुपए का ही मेरा वेतन है मिला है अभी तक। तो वर्तमान मूल 1,00,00,000 हो सकता है, लेकिन उस समय का कुछ प्रॉपर्टी 22,000 की ली गई, वो आज 22,00,000 की है, तो वो तो वर्तमान मूल रहेगा। लेकिन जो भी चीज़, जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में ली गई है मेरी, वो 7,00,000 रुपए की है प्रॉपर्टी। अभी वर्तमान में मूल 1,00,00,000 हो सकता है। आज मार्केट वैल्यू 1,00,00,000 है, लेकिन आपने खरीदा था उस समय 7,00,000 रुपये में। 1996 में मैंने जो मकान खरीदा बना बनाया 3,75,000 में, आज वो मकान 40,00,000 का है। 96 की बात कर रहा हूँ। 2006 में मैंने जो 60/50 का प्लाट 60,000 में लिया था, आज वो 40,00,000 का है। तो वर्तमान मूल्य और उस समय खरीदा, उसमें तो अंतर आएगा, वो तो अभी लगाएंगे। लेकिन और जो भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी मैंने खरीदा हूँ, बाकायदा बैंक लोन या मेरे ऑफिस जीपीएफ से राशि लेके मैंने, या अपने वेतन से बची हुई राशि जमा करके लिया। आपका ये कहना है कि ये अवैध नहीं है, वैध लीगल है करके? बिल्कुल सब लीगल है। एक बताइए आप, 20 ग्राम सोना मेरी मिसेज के पास है, 2 अंगूठी और 1 मंगलसूत्र, तो आज की तारीख में क्या वैल्यू रखता है 20 ग्राम सोना? आज 60,000, यानी उस वैल्यू के हिसाब से 80,00,000 का है। चांदी के वो पुराने दहेज के सामान है, चांदी के करदन अर्दन यूँ, वो 20,000 के, 1,08,00,000 रुपये का सोना प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तो ये तो वर्तमान रेट है। उस समय तो ये मुश्किल से 10 से 12,000 रुपये के थे।